नमस्कार, ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता और उनके रिसर्च के विषय में बात कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन ने क्या शोध किया है इसे समझें। महिलाओं के श्रम बाजार में शामिल होने के क्या परिणाम होते हैं इसे समझने के लिए प्रोफेसर गोल्डिन ने 2 शताब्दियों से अधिक पुराने रिकॉर्ड्स का गहराई से अध्ययन किया है। उनकी रिसर्च पारंपरिक विचारों को चुनौती देती है। प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन ने बताया कि महिलाओं के लेबर फोर्स में भाग लेने से यू आकार के कर्व का निर्माण हुआ है, जो महिलाओं के काम करने से संबंधित सोसाइटी की अपेक्षाओं, तकनीकी प्रगति, कानून और व्यक्तिगत विकल्पों की इसमें भूमिका को दर्शाता है। प्रोफेसर गोल्डिन के अनुसार सामान्य प्रगति के विपरीत कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी आर्थिक विकास के साथ लगातार नहीं बढ़ी है। इसके बजाय कई कारणों से इसमें काफी उतार चढ़ाव आता रहा है। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक आंकड़ों में महिला श्रम बल की भागीदारी को गलत तरीके दिखाया गया है। इस दौरान महिलाओं के योगदान को अक्सर कम करके आंका जाता था और उनकी अनदेखी की जाती थी। एग्रीकल्चर से औद्योगिक समाजों में परिवर्तन के दौरान महिलाओं की भागीदारी में एक परिवर्तनकारी बदलाव आया। औद्योगिकरण ने विवाहित महिलाओं के लिए काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करना अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जिससे उनकी समग्र भागीदारी में गिरावट आई है। हालांकि अविवाहित महिलाओं को विनिर्माण क्षेत्र में अवसर भी मिले। प्रोफेसर गोल्डिन कहती है कि समाज को यह स्वीकार करना चाहिए कि महिलाएं एक साथ कई भूमिकाओं को निभाती हैं। प्रोफेसर गोल्डिन कहती है कि सामाजिक मानदंडों के कारण महिलाएं शादी के बाद लेबर फोर्स से बाहर निकल जाती हैं, जिससे उनकी कैरियर की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। और जब विवाहित महिलाओं फिर से काम करना चाहती हैं, तो वह एजुकेशन और कम कौशल विकास के कारण दोबारा शामिल नहीं हो पाती हैं। यह क्रम 1970 के दशक तक ज्यादा प्रभावी बना रहा। इसके बाद युवा महिलाओं ने शिक्षा में अधिक निवेश करना शुरू किया, समाज को चुनौती दी और महिला श्रम बल में शामिल हुई। प्रोफेसर गोल्डिन कहती है कि गर्भ निरोधक गोलियों की शुरुआत ने महिलाओं के जीवन में क्रांति ला दी, इससे वह अपने करियर की प्रभावी ढंग से योजना बना सकी। इस प्रगति के बावजूद वेतन में असमानता महिलाओं के लिए एक चुनौती है, और जैसे जैसे 20वीं शताब्दी में सेवा सेक्टर का विकास हुआ, वेतन असमानता और अधिक बढ़ गई। कंपनियों के मालिकों ने पुरुषों का पक्ष लिया क्योंकि वह ज्यादा लंबे समय तक नौकरी कर सकते हैं। इससे साफ हो जाता है कि यह दावा करना कि पुरुषों और महिलाओं के बीच आय असमानता कम हुई है गलत है। प्रोफेसर गोल्डिन ने अपने 1990 के लेख अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमन में पुरुषों और महिलाओं के बीच मजदूरी के अंतर को स्पष्ट किया और मजदूरी में भेदभाव के उद्भव की जांच की। लॉरेंस कार्टज के साथ उन्होंने 2008 में आर्थिक विकास और अच्छी जॉब पाने में शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए ड्रेस बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी लिखा। इसमें उनके निष्कर्षों से आर्थिक चुनौतियों के बीच भी महिलाओं द्वारा की गई पर्याप्त शैक्षिक प्रगति का पता चलता है। इसके अलावा 2018 में प्रोफेसर गोल्डिन और कार्ट्स ने वुमेन वर्किंग लॉन्गर इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट एट ओल्डर एजेस लेख लिखा, जो श्रम बल में भाग लेने वाली वृद्ध अमेरिकी महिलाओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है। उन्होंने 2021 में करियर एंड फैमिली नामक अपने एक लेख में स्त्री पुरुष के बीच वेतन असमानता को कम करने के लिए महिलाओं के संघर्ष पर एक सदी लंबे इतिहास पर प्रकाश डाला है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन की रिसर्च ने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को नया रूप दिया है। आर्थिक विज्ञान में स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार की पहली एकल महिला प्राप्तकर्ता के रूप में प्रोफेसर गोल्डिन की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करेगी, जो श्रम बाजार और उससे आगे स्त्री पुरुष समानता को प्रोत्साहित करती है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।